हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ करियर चाचा। तो भाई आप सबसे पहले तो एक न्यूज़ बताऊं कि यार मैंने बायजूस ज्वाइन कर लिया है। पिछले वीक मंडे से किया है ज्वाइन, ठीक है। तो अब 10 दिन हो ही गए मुझे ज्वाइन करते हुए, ठीक है। तो बेसिकली भाई सारी चीज़ें बताऊंगा कि यार ज्वाइनिंग करने के बाद क्या क्या चीज़ें रहती हैं, प्लस ये भी चीज़ बताऊंगा कि यार, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि यार उसमें एग्जैक्टली तुम कैसे अच्छे से बायजूस का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं जो मेरे साथ के हैं, उन्होंने काफ़ी टिप्स शेयर किए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं तो सब चीज़ें शेयर करूंगा। और भाई एक बात उससे पहले बता दूं, अगर तुम सेल्स ड्रिवन हो, मतलब तुम अपना करियर परस्यू करना चाहते हो सेल्स में, तो भाई डेफिनेटली इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो कि अभी इंडिया में है, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है, ठीक है। बट सारी चीज़ें बताऊंगा कि यार इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो। ओके, तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यार सबसे पहली बात, जो भी जैसे भी इसका प्रोसेस रहता है लेने का, इस पे इंटरव्यू देने का, तो यार बेसिक क्वेश्चंस मैंने वो वीडियो बना रखी है, वो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली क्या रहता है, कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बताता हूँ फर्स्ट राउंड में जो ये लोग पूछते हैं। लाइक अप्लाई आप करते हो ऐड देख के, कहीं से भी अप्लाई कर लिया आपने या बायजूस की साइट पे जाके, तो उसके बाद ये लोग एक आपको इनविटेशन लेटर भेजते हैं, बेसिकली इंटरव्यू लेटर होता है वो। तो वहाँ से आपको स्लॉट बुक करना होता है, अभी जो ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं जूम पे, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली ये लोग पूछते हैं पहले इंटरव्यू में, वो इंट्रो हो जाता है एक तो, ठीक है, तो वो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो भाई ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड कि अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो बेसिकली ये पूछते हैं। अब आती है बात यार जिसकी इन्हें मेन जरूरत है, जो ये लोग देखते हैं बायजूस, यार देखता क्या है एग्जैक्टली बायजूस जो देखता है यार, वो देखता है कि बंदा सेल करने लायक है या नहीं, वो परसुएट कर सकता है कि नहीं, या कितनी जल्दी हार मान लेता है। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जैसे आपको एक कोर्स सेल करना है एक स्टूडेंट को, वो आपके सामने ये कह देंगे कि 30 सेकेंड का टाइम ले लो, कॉन कॉल करो, ये चीज़ करो, सॉरी कॉल करो पेरेंट्स को और मीटिंग फिक्स करो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये सारी चीज़ें वो करता है यार, ठीक है, वो इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, ठीक है। वहाँ पे आपको स्टक नहीं होना, वहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है। अब इंट्रो विंट्रो तक तो ठीक है यार, सभी कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रो प्रिपेयर कर लेते हैं सब। अब कभी क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं यार स्टूडेंट्स को कि हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, तो भाई एक चीज़ बात बता दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी इंग्लिश से, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि यार देखो इंग्लिश इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है, तो वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि सबसे आप हिंदी में नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बाकी अगर आप इंटरव्यू हिंदी में भी देते हो और कॉन्फिडेंट हो, तो भाई एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा दूसरी चीज़ पे आते हैं यार अब, कि मेनली अब वो लोग क्वेश्चंस क्या पुटअप करते हैं इसके बाद, इंट्रो विंट्रो तो ये सब तो हो गया, उसके बाद यार ये लोग पूछते हैं सेल्स से रिलेटेड। देखो जो मेन चीज़ है वो इन्हें सेल करवाना है, बीडी को ये एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट को ये 55,000 56,000 रुपये दे रहे हैं महीने के, तो भाई क्या क्यों देंगे ये, एटलीस्ट यार वो रिजल्ट पा रहे हैं ना। अगर वो तुम पे खुद सोचो 56,000 मेरे पे खर्च कर रहे हैं वो, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आराम से महीने का 5 लाख, ठीक है, जो भी वो टारगेट दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट हो, तो इसलिए वो दे रहे हैं, नहीं तो यार फिर तो चलता बनो ये काम, ये सीन है यहाँ पे। अगर मैंने भी वो टारगेट्स अचीव नहीं किए, तो डेफिनेटली मेरे को तो रोज़ वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डेफिनेटली टारगेट्स पूरे नहीं हुए, तो ऑफकोर्स वी विल बी टर्मिनेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं यार जो ध्यान में रखनी है। तो वो लोग इंटरव्यू में सीधा सीधा यही क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि भाई सेल करके दिखाओ, कोई कोर्स सेल करके दिखाओ या ये करके दिखाओ। वो बताएं बोलेंगे आपको कि एक 6th क्लास का स्टूडेंट, 5th क्लास का, उसको एक कोर्स सेल करना है, ये कैसे सेल करोगे, उसका ट्यूशन भी अच्छा चल रहा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे सेल करोगे, टॉपर है वो क्लास का, भाई कैसे सेल करोगे, आना चाहिए भाई, आना चाहिए, क्यों भाई टॉपर है तो बिल्कुल सेल कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कैसे, मुझसे ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया था कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे सेल करोगे, एक स्टूडेंट है टॉपर है वो, और उसकी उसके पेरेंट्स को तुम्हें कन्विंस करना है बायजूस का कोर्स बाय करने के लिए, ठीक
ठीक है, तो सीधी सीधी बात है यार, टॉपर है वो, तो एक तो पहला तुम्हारा वो खत्म हो गया कि कैसे तुम उसको सेल करोगे वहां पे। लेकिन एक चीज है कि यार तुम उसे कह सकते हो कि बायजूस का जो कोर्स है वो ऐसा कोर्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करता है। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें हैं वो आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस क्रिएट कर रहे हैं वो शुरू से ही, बिगनिंग से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। ऊपर से ये ऐड ऑन कर सकते हो कि यार आज जब चाहे तब वो आपको कोर्स को कर सकता है, कभी भी डाउट्स क्लियर कर सकता है। प्लस जो उनके क्वेश्चंस हैं काफ़ी दिमाग लगा के उन्होंने ये क्वेश्चंस ड्राइव किया। इसके लिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि यार तुम एक बार उनकी ऐप को भी गो थ्रू करो, उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी तुम्हें। क्योंकि जब तक तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि यार स्टूडेंट क्या करेगा, तो तुम बता क्या पाओगे, या वो क्या है ऐप में, क्या चीज़ें हैं, तो तुम कैसे बता पाओगे। तो वहां से भी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। हालांकि वो ट्रेनिंग देंगे जो कि मुझे भी दे रहे हैं, वो ऐप से रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, हर चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। बट तुम्हें पहले से थोड़ा आइडिया होगा तो इंटरव्यू में काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें उससे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है। जो एक उन्होंने बेस्ट क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि एक अमीर बच्चा है और एक गरीब बच्चा है, ठीक है। तो गरीब बच्चा चाहता है बायजूस का कोर्स बाय करना, बट जो लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और जो अमीर बच्चा है वो चाहता ही नहीं है बाय करना बायजूस का कोर्स। तो आप अप्रोच किसको करोगे, ठीक है। पढ़ने में दोनों ही अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो भाई अप्रोच तो देखो, यहाँ पे एक एक चीज़ है, अप्रोच तुम्हें दोनों को करना चाहिए। एज अ सेलर तुम्हें दोनों के पास जाना चाहिए, ठीक है। तुम पहले ही दिमाग में, मन में नो लेके नहीं चल सकते, ठीक है। हालांकि नो लेके तुम्हें चलना पड़ेगा मन में, ठीक है, लेकिन तुम पहली हार नहीं मान सकते, ठीक है। तो तुम कहीं ना कहीं कन्विंस करके उसको, या तो देखो जो गरीब बच्चा है उसको कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज की भी पॉलिसीज होती हैं कि हाँ अपने एक दो यूजर्स को, एक दो क्लाइंट्स को, एक दो कस्टमर्स को दे सकती है वो ऐसी चीज़ें एट अ वेरी रीजनेबल रेट। और जो अमीर वाला है उसको तुम्हें कन्विंस करना है, तो भाई वो कन्विंस करने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए तुम्हें। जैसे तुम उसे कर सकते हो कि यार कि वो खरीदना नहीं चाहता, ये नहीं, तो वो तुम्हें सेल करना आना चाहिए उसे। तो तुम यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो कि एग्जैक्टली मैं अप्रोच करूंगा, डेफिनेटली आई विल कन्विंस हिज पेरेंट्स एज वेल। कि उसमें पेरेंट्स को कन्विंस करने का तरीका ये हुआ यार कि तुम जाके वहाँ पे बात करोगे, अपना दिखाओगे कि हाँ एग्जैक्टली ये लोग आपके भी, आपका लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है, हमारे वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसके साथ, इसके बायजूस के कोर्स उन्होंने बाय किया है, या इसको इसके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे तुम्हें अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। क्वेश्चन तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे तुम अपना दिमाग लगा सकते हो यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तुम अभी थोड़ी इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब तुम दोगे तो उससे पहले तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो उससे पहले भी तुम इनके आंसर्स या कैसे सेल करना है, कुछ क्रिएटिविटी अपनी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिकली जो ये लोग पूछते हैं यार, हर राउंड में पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। उसके बाद ये लोग बेसिकली जो पूछते हैं, जो अच्छा खासा है, डराते हैं ये लोग कि 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा, रोज की 150 कॉल्स करनी पड़ेंगी, जो कि मैं कर रहा हूँ भाई, मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। तो तुम्हें यार कुछ नहीं करना उसमें, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। चेहरा मत लाल कर लेना, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। नहीं तो वो चेहरे से भी काफ़ी, अपियरेंस से भी काफ़ी चीज़ें पता लगा लेंगे, और वैसे भी इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वो बेसिकली पूछते हैं कि यार वर्क, जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन वाला जो सीन है यार, बेसिकली तुम कहना कि कोई भी जॉब लोकेशन परफेक्ट है, वो फिजिबिलिटी एक चेक करते हैं कि यार हाँ ये दिल्ली का है तो दिल्ली में ही काम करेगा क्या, कहीं और नहीं भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तुम जस्ट यू से कि आई एम परफेक्ट विद एनी काइंड ऑफ जॉब लोकेशन, तो वो कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो लोग सेल्स से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो कोर्स से रिस्ट्रिक्टेड रह रहे हैं, ठीक है, अपने कोर्स को सेल करने के वही क्वेश्चंस पे रिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं वो, कि कैसे सेल कर सकते हो क्या। अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बायजूस बहुत जल्दी फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, सॉरी, जैसे नीट का या जेईई मेंस का। तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जैसे हमें भी अभी ट्रेनिंग में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बताए जा रहे हैं। यार तुम एग्जैक्टली वहां पे उनको आंसर ये कर सकते हो कि अभी जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो
उससे पहले क्या होता था कि जब स्टूडेंट 10th के बाद 11th 12th में जाता है तो उसको कोचिंग में भी टाइम देना पड़ता है, और थोड़े से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इसको लेकर के स्कूल और स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो तुम वो पॉइंट यूज कर सकते हो कि जब वो बायजूस से पढ़ेगा वो स्टूडेंट, जब उसके पेरेंट्स को तुम कन्विंस कर रहे होगे, तो एग्जैक्टली वहां पे सेम सिलेबस रहेगा, सेम लाइक मटेरियल रहेगा, सब कुछ रहेगा, और वहां पे वो कभी भी लाइक मैनेज हो जाएगा, कभी भी वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स भी और इनकी भी प्रिपरेशन आराम से कर सकता है, वीकडेज में भी और वीकेंड्स में भी। क्योंकि जो होता है कि 11th 12th में यार मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोचिंग जाओ सैटरडे संडे को, मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाओ, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है, तो इट्स क्वाइट हेक्टिक, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तुम पॉइंट उनको बता सकते हो। अब यार जो मेनली बात करूंगा मैं कि अब तुमने जॉब ले ली, ठीक है, आजकल, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि आजकल बायजूस काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि थर्ड, उसमें भी थर्ड राउंड में क्या रहता है, थर्ड राउंड भी ले रहा है बायजूस? तो भाई थर्ड राउंड एज सच कुछ नहीं होता, वो दो ही राउंड्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड राउंड आजकल इसलिए ले रहे हैं वो क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं होते कि इस कैंडिडेट को रखना है कि नहीं रखना, ठीक है, तो इसलिए वो थर्ड राउंड के लिए जाते हैं। अगर वो थर्ड राउंड के लिए तुम्हें बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली यार जो तुम्हारे साथ दो राउंड्स में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं अच्छे से उनको, पहले तो अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लो, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में कुछ नया नहीं पूछते। हाँ बस इंसान बदल सकता है, रिक्रूटर बदल सकता है, ये बंदा बदल सकता है, और कुछ अलग नहीं होता, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन, यार सेल्स में क्या क्वेश्चन वो भी फ्रेशर से पूछोगे। अब यार आते हैं कि भाई जॉब मिल गई, सारी चीजें हो गई, उसके बाद क्या एग्जैक्टली? भाई उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या होता है कि जा तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया, ये सारी चीजें हो गई, जॉब मिल गई, दो 2 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड पता है सबको, 22,000 मिलने हैं, पता ही चल गया होगा, वो बता ही देते हैं वो, ठीक है। तो अब मेरे साथ जो जो हो रहा है वो बताता हूँ यार। एग्जैक्टली जो अभी करंट सिचुएशन है वो थोड़ा सा, फर्स्ट वीक में तो थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा था, बट सेकेंड वीक से लाइक द ऑफिस आवर्स जो मेरे थे, जैसे सुबह 10 o'clock से स्टार्ट होता है सब कुछ, आजकल 9 o'clock से कब पहले स्टार्ट हो रहा था, बट अभी 10 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 10 to, वैसे तो 10 to 7 की टाइमिंग है, बट मुझे लग जा रहे हैं यार 9 तो बज ही जा रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में भी 9 के आसपास आराम से बज रहे हैं, ठीक है। सुबह उठता हूँ मैं लाइक 10 o'clock लैपटॉप पे, बाकी वो सब सिखाते रहते हैं, उसके बाद वो 2 आवर्स मुझे इसलिए देते हैं कि यार एग्जैक्टली कुछ कॉल्स करवाते हैं वो, ठीक है, वो कॉल्स वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी करते हैं, ये सारी चीज़ें भी करते हैं वो लोग, ठीक है, और ऐसे ही डमी कॉल्स भी करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं टू जस्ट ट्रेन, और ये सारी चीज़ें प्लस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, टैब्स वैब्स जो भी उन्होंने भिजवाया है अभी थोड़े दिन पहले ही, ठीक है, मेरा मेरे ख्याल से 3 4 दिन पहले वो टैब वैब ये सारी चीज़ें, किट जो होती है इनकी BDA के लिए, वो सारी चीज़ें भिजवाई है इन्होंने, ठीक है। और हमें अभी ये बताया भी जा रहा है कि कुछ दिनों में मेनली हमें जाना भी पड़ेगा, लाइक अप्रोच करना पड़ेगा क्लाइंट्स को, ठीक है, और स्टूडेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो अभी तक जैसा चल रहा है मैं बताऊंगा यार कि हाँ हेक्टिक है भाई, बायजूस में काम करना थोड़ा सा हेक्टिक तो है, बट जो यार एग्जैक्टली कर सकता है, जिसके लिए सेल्स से और पैसा ज़रूरी, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटी है, तो भाई वो डेफिनेटली ये जॉब कर सकता है यार। और पैसा प्रायोरिटी यार सबकी होती है, बट टू सेल आउट ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। अगर जो सेल कर सकता है भाई, उसके लिए तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। मुझे भी और वो टाइमिंग वाली जो प्रॉब्लम चलती है यार वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे तुम लीड्स क्लोज करते जाओगे स्टूडेंट्स के, जैसे जैसे तुम्हें जो भी लीड्स मिलेंगी वो तुम क्लोज करते जाओगे, रेवेन्यू आता जाएगा, तुम्हें इंसेंटिव मिलने लगेगा, तो भाई तुम्हें खुद मज़ा आने लगेगा इन सब चीज़ों में। और 2 3 साल की बात है यार, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ सीनियर्स हैं मेरे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था मेरा, मतलब 4 5 लोग हैं हम लोग एक ही टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 6 लोग हैं हम एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने बताया था कि अभी उनके साथ ही का कोई बंदा था 2 3 साल में, ही इज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो ये सारी चीजें हैं, ग्रोथ बहुत जल्दी है यार इस कंपनी में, इस स्टार्टअप में, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ काम आपको लगा के गधों की तरह काम करवाएंगे भाई, दबा के काम करवाएंगे, लेकिन हाँ एट लास्ट उतना देंगे भी,
अगर तुम वो काम कर लेते हो, अगर तुम उन्हें महीने का 6 लाख कमा के 5 लाख कमा के दे रहे हो, तो वो डेफिनेटली तुम्हें भी कुछ ना, डेफिनेटली यार तुम्हें, तुम पे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे वो इंसेंटिव। ये जितना देता है उतनी कोई कंपनी नहीं देती इंसेंटिव। तो ये सारी चीजें हैं यार जो शेयर करनी थी। और डेफिनेटली यार कैब वैब ये सारी चीजें देते हैं वो लोग, तो फैसिलिटीज तो दबा के हैं यार, ठीक है। अब मुझे भी टैब भी ये सारी किट्स उन्होंने जो पहुंचाई है काफी ठीक है यार। मतलब ओवरऑल मैं बात करूं बायजूस की तो आई एम हैप्पी, ठीक है। अभी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा यार, जब लीड्स क्लोज नहीं हो पाएंगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी, अगर दिक्कत हुई तब वहां पे सिचुएशन बिगड़ सकती है। बट लेकिन जो अभी तक की सिचुएशन है यार, आई एम क्वाइट हैप्पी यार। काफी कन्विंसिंग सिचुएशन है, काफी हेल्प भी कर रहे हैं वो लोग, और यार काफी मतलब मजा भी आ रहा है काम करने में, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट था सेल्स में, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसी भी चीजें हैं आगे भी, अगर यार देखो यार सेल्स में वैसे ही ये टारगेट बेस्ड जॉब होती है, कहीं भी होती है, कभी कहीं कहीं नहीं होती, वो तो अलग बात है, बट मेनली टारगेट बेस्ड जॉब होती है। और यार वो जब 50-60 से ये 7 लाख का CTC दे रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो यार मैं शेयर करना चाहता था। लेकिन देखो एक बार एक चीज है, अगर तुम इसका इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो और ज्वाइन करना चाहते हो, तो बेझिझक ज्वाइन करो यार, ठीक है। 2 महीने में तुम नहीं कर पाए, लेकिन एक बैकअप प्लान रखना कि हाँ उसके बाद तुम कहीं और ज्वाइन भी कर पाओ, क्योंकि 2 महीने का देखो तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर तो मिल जाएगा, बट वो उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। और बायजूस जैसी कंपनी में अगर तुम टिक गए तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। तो भाई जो सेल सेल आउट कर सकता है, सेल्स में सीरियसली इंटरेस्ट है जिसका, डेफिनेटली यार गो ऑन, ठीक है, फॉर बायजूस। तो काफी मैं तो यार, और जैसे कि उन्होंने अभी वो लोग, जैसे कि इंटरेक्शन मेरा चल रहा है जैसे कि उन लोगों के साथ, तो काफी मतलब ठीक है यार। आने वाले टाइम में हाँ अभी भी वो लोग 10 से 10 घंटे तो काम करवा ही रहे हैं यार, 10 से 9 9 घंटे तो हो ही गए है ना, 9-10 घंटे तो करवा ही रहे हैं यार वो आराम से, ठीक है। लेकिन वो भी है कि उतना वो लोग देंगे भी, ठीक है। और जो कर सकता है वो डेफिनेटली यार वो तो ज्वाइन करो, और मजा आ रहा है यार। अगर जो जिसके लिए जिसको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, सेल आउट करना पसंद है, पर्सुएशन स्किल्स अच्छी हैं, ये सारी चीजें करना चाहता है, सेल्स में करियर बनाना चाहता है, तो डेफिनेटली गो ऑन, मजा आएगा भाई, ठीक है। जब लीड्स क्लोज होंगी ना, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी, मजा तुम्हें आएगा। ओके तो ये सारी चीजें थी यार जो शेयर करनी थी मुझे। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सब मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आई बटन में मिल जाएगी, या अभी वीडियो के लास्ट में भी एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो जरूर देखना उसको भी। यार ये सारी चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था, ठीक है। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। ओके चलो बाय बाय।